हेलो एवरीवन वेलकम टू आई पेश तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे नील्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स का, का इंडेक्स कैसे होता है हमें इंडेक्स कैसे फाइंड करना चाहिए और नील्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नील्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है देखो नील्पोटेंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बट कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कोई भी पावर जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया आपने देखा इस मैट्रिक्स का केथ पावर जीरो हो जाए मतलब आपका ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोई भी पावर अगर आपको जीरो मिल जाए तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहते हो नेलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हो कोई भी पावर आपको जीरो मिल जाए तो यहाँ पर आप नेक्स्ट डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं नेलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए तो आप यहां पर क्या कह सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई ए ऑर्डर एन क्रॉस एन इज सेट टू बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अनेल्पोटेंट इज सेट टू बी अल्पोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर मतलब हमें कोई एक नेचुरल नंबर मिल जाए इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर ए टू दी पावर के आपको क्या मिल जाए जीरो मिल जाए मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम तभी कहेंगे ना जब उसका कोई भी नेचुरल पावर ऐसा एक नंबर मिल जाए उस नंबर पर मैट्रिक्स का पावर जीरो के इक्वल आ जाए जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जाए सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक दे दिया लेट ए इज इक्वल टू क्या है जीरो वन जीरो जीरो अब इस मैट्रिक का अगर आप स्क्वायर करेंगे देखो स्क्वायर करके आपको क्या मिलता है इस मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ये जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा ए फाइंड करो देखो जीरो 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 मैट्रिक्स हो जाएगा मतलब ये क्या है ए का सेकेंड पावर जीरो एक मैट्रिक्स दे दिया जीरो वन जीरो 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 तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे ना ए का थर्ड पावर अगर आप देखेंगे A cube. A cube भी आपका क्या है जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है जीरो 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 मतलब ए वाला भी ए आपका क्या है नेलपोटेन मैट्रिक्स है ठीक है मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोई भी पावर जीरो कभी भी आपको दे उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं नेलपोटेन मैट्रिक्स कहते हैं अब यहां पर बात ये आती चलो पहले ना हम एक और एग्जाम्पल देखते सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया ए इज इक्वल टू क्या है ए इज इक्वल टू से मैं दे रहा हूँ जीरो जीरो वन जीरो 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 अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं और यहां पर साथ में एक और कंडीशन दिया ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो क्यूब है वो जीरो है तो यहां से तो आप क्लियरली बता लोगे इसका क्यूब जीरो है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा चलो ठीक है निलपोटेंट है अब यहां पर बात ये आती है कि ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ऐसे कौन से पावर पर पहली बार जीरो हुआ था देख लेते हैं A² अगर मैं फाइंड करता हूं देखता हूं मुझे क्या मिलता मल्टीप्लाई करना जीरो 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 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा तो यहां पर अगर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम ये क्या हो जाएगा जीरो 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 जीरो, जीरो मिल जाएंगे ना देखो ये सारे जीरो मिल गए इसका मतलब यहां पर आपको क्या मिल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो मिल गया ए स्क्वायर आपको क्या मिल गया जीरो मिल गया तो यहां पर सेकेंड पावर आपको क्या मिल गया इसका जीरो मिल गया अब बात यहां पर क्या आती है ठीक है चलो ए क्यूब जीरो था कोई बात नहीं ए क्यूब जीरो से होने से हमें पता निलपोटेंट इन निलपोटेंट है बट मैंने ये भी देखा कि सेकेंड पावर पर भी ये जीरो हो रहा था अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि निलपोटेंट जो मैट्रिक्स होता है पहली बार किस पावर पर जीरो होता है जैसे देखो अगर इस मैट्रिक्स में आप देखोगे आपका ए तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है बट ए स्क्वायर आपको जीरो मिला अगर ए स्क्वायर जीरो फिर आगे के कोई भी पावर लेते जाएंगे ना सारे जीरो होते जाएंगे ए रेस टू फोर ए रेस टू फाइव ए रेस टू सिक्स ए रेस टू सेवन सारे जीरो हो जाएंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे अब हमें यहां पर पता ये करना है ना कि निलपोटेंट मैट्रिक्स किस पावर पर पहली बार जीरो होता है अगर मैं उस पावर को पता कर लू ना उसी पावर को या उसी नंबर को हम क्या कहते हैं नीलपोट एंड मैट्रिक्स का इंडेक्स तो इंडेक्स क्या होता है मैट्रिक्स का सो so, इंडेक्स आप कह सकते हो कि ऐसा पावर जिस पर मैट्रिक्स पहली बार जीरो बनता उसे हम नीलपोट एंड मैट्रिक्स का इंडेक्स कहते हैं तो इस मैट्रिक्स का इंडेक्स कितना हुआ मैट्रिक्स पहली बार किस पर जीरो हुआ सेकेंड पावर पर मतलब इस मैट्रिक्स का इंडेक्स टू है ओके तो नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोट मैट्रिक्स तो इंडेक्स जो होता है हमेशा नीलपोट एंड मैटर्स के लिए डिफाइन होता है तो यहां पर आप कह सकते हो द स्मॉलेस्ट नैचुरल पावर द स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट नेचुरल पावर द स्मॉलेस्ट नैचुरल पावर एम ऑफ ए सच दैट ए टू पावर एम इज इक्वल टू जीरो इंडेक्स ऑफ ए इसी को हम क्या कहते हैं इंडेक्स कहते हैं किसका इंडेक्स एक है, इंडेक्स एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स है का कहते हैं या दूसरे तरीके से आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाता है निलपोटेंट है उसके बारे में अगर उसका इंडेक्स एम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है ए टू पावर एम हमेशा क्या होगा जीरो होगा बट उसके साथ साथ अगर आप एम से छोटा कोई पावर लेते हैं ना कभी भी जीरो नहीं होगा ये भी आपको ध्यान में रखना अगर मैं कहूं ए नेलपोटेंट मैटर मतलब ए टू दी पावर एम जीरो होगा बट ए टू पावर एम से छोटा कोई भी पावर आप लेंगे ना तो ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए तो इसी को हम क्या कहते हैं इंडेक्स कहते हैं नलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब सबसे छोटा पावर जिस पर मैट्रिक्स पहली बार जीरो बना है उसी पावर को हम उसका इंडेक्स कहते हैं ठीक है तो जैसे कि लास्ट वाले मैट्रिक्स में आपने देखा इसका इंडेक्स कितना मिल गया तो यहां से आप बता सकते हो इंडेक्स ऑफ ए इस मैट्रिक्स का इंडेक्स कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का इंडेक्स टू हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर एक बात ये आती है चलो अगर मुझे पता करना हो एक मैट्रिक्स दिया गया है तो निलपोटेंट है या नहीं तो मैं कैसे पता करूंगा जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स दे दिया मैंने फोर क्रॉस फोर का दे दिया आपसे पूछ रहा है निलपोटेंट है या नहीं तो आप क्या करोगे कैसे आपको पता चले कि भाई ये निलपोटेंट है या नहीं है तो आप ना एक बार देखो क्या आपका ए जीरो है अगर ए जीरो बन गया तो नील्पोटेंट अगर ए जीरो नहीं बनता है आप चेक करो क्या ए स्क्वायर जीरो हो रहा है अगर ए स्क्वायर जीरो बन गया तो ये नील्पोटेंट अगर ए स्क्वायर भी 0 नहीं A3 A3 जीरो नहीं होता ए क्यूब पर चेक करो ए क्यूब जीरो नहीं होता ए फोर पर चेक करो ए भी अगर जीरो नहीं होता तो कब तक आप चेक करोगे देखो अगर कोई मैट्रिक्स निल्पोटेंट होगा ना तो ज्यादा से ज्यादा उसके ऑर्डर मान लीजिए इसका ऑर्डर फोर क्रॉस फोर तक ये जीरो हो जाएगा अगर फोर तक भी जीरो नहीं होता है ना फिर आपको आगे चेक नहीं करना ये कभी भी फिर निलपोटेंट नहीं होगा अगर मैं कहूँ ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर एन क्रॉस एन का तो यहाँ पर ए टू दी पावर एन हमेशा जीरो होगा अगर ए टू पावर एन आपको जीरो नहीं मिल रहा है किसी भी मैट्रिक्स के लिए तो निलपोटेंट कभी भी नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको चेक करना है ना ए पे चेक करो ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस टू फोर ज्यादा से ज्यादा उसके ऑर्डर तक चेक करना अगर ऑर्डर तक जीरो हो जाए ठीक है अगर जीरो नहीं मिल रहा है ऑर्डर पर आने के बाद भी ए टू दी पावर एन भी जीरो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कभी भी निलपोटेंट नहीं होगा ठीक है तो यहां पर एक नोट ऐड कर लेते हैं हम लोग अच्छा एक बात बताओ उससे पहले मुझे आ, ऐसा कोई मैट्रिक्स जीरो के अलावा जिसका इंडेक्स वन हो ऐसा कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट की बात कर रहा हूं निलपोटेंट मैट्रिक्स अदर देन जीरो इंडेक्स इज वन है कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है नहीं तो दुनिया में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स मिलता है इंडेक्स वन का नेलपोटे मैट्रिक्स जो क्या होता है जीरो मैट्रिक्स क्योंकि अगर आप जीरो मैट्रिक्स की बात करोगे ना तो जीरो 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 ऐसे कुछ होगा ये पहले पावर पर जीरो है ना ए टू दी पावर वन जीरो तो इसका जीरो मैट्रिक्स का इंडेक्स वन होता है और नॉन जीरो नील्पोट मैट्रिक्स का जो इंडेक्स आपको मिलेगा हमेशा वन से बड़ा होगा वन से छोटा कभी हो ही नहीं सकता मतलब टू या टू से बड़ा होगा टू से छोटा हो ही नहीं सकता है तो यहां पर आप कह सकते हो दुनिया में सिर्फ एक ही नेलपोटेन मैट्रिक्स है इंडेक्स वन का जो कि क्या है जीरो मैट्रिक्स है तो यहां पर आप नोट ऐड कर लीजिए जीरो मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स इज ओनली नेलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स वन ओनली नेलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स वन of index 1 and index of index of non null means non zero non null nilpotent matrices non null nilpotent non null nilpotent matrices are always greater than always greater than ग्रेटर देन और टू तो से ही जीरो मैट्रिक्स ही मैट्रिक से है जिसका आपको हमेशा क्या मिलेगा मैट्रिकल जीरो के अलावा जितने भी नॉन nilpotent मैट्रिक्स होंगे उनका इंडेक्स या तो टू होगा या तो टू से ज्यादा होगा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर एड कर लीजिए लेट ए इज इक्वल टू क्या दिया गया सपोज ए इज इक्वल टू ए आई जे है ऑर्डर एन क्रॉस एन है और साथ में दिया गया ए nilpotent है अगर ये nilpotent है तो इसका मतलब उसका एंथ पावर हमेशा जीरो होगा सो दिस इंप्लाइज डेट ए टू पावर एन इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स अगर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स में ए टू पावर एन जीरो नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो nilpotent ही नहीं है ठीक है आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है यहाँ पर आपको क्या दिया गया इफ ए एन बी if a and b are two matrices suppose a or b aapko kya diye gaye do matrices diye gaye hain of order n if a and b are two matrices of order n such that such that a into b is nilpotent a into b is nilpotent then आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट होगा यहां पर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए जरूरी नहीं कि ए और बी नेलपोटेंट हाँ बट ए और बी आपको ऐसा लेना है जहां पर उनका प्रोडक्ट निलपोटेंट हो और फिर आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट होगा तो पहला ऑप्शन कह रहा है आइदर ए और बी इज निलपोटेंट आइडर ए और बी या तो ए और बी में से कोई एक निलपोटेंट होगा आइदर ए और बी इज निलपोटेंट सेकेंड आपको क्या कहता है नाइदर नाइदर ए नॉर बी नॉर बी इज निलपोटेंट कह रहा है दोनों में से कोई भी निलपोटेंट नहीं होगा थर्ड ऑप्शन आपका क्या कह रहा है बी ए मस्ट बी निलपोटेंट ए बी गया है तो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बी ए मस्ट बी निलपोटेंट बी ए मस्ट बी निलपोटेंट एंड लास्ट ऑप्शन आपसे क्या कहता है बी ए नीड नॉट नीड नॉट निलपोटेंट तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो पहला ऑप्शन कह रहा अगर है अगर प्रोडक्ट नील्पोटेंट दिया और भी हमें पता नहीं तो ये कह रहा है ना कि या तो ये और बी दोनों में से कोई एक नेल्पोटेंट होगा तो पहले ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं सपोज मैं एक ले लेता हूं uh, मैंने क्या ले लिया जीरो कुछ मैट्रिक्स ले, ले लेते हैं जैसे कि से वन जीरो 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 ले लिया और बी मैंने क्या ले लिया बी सपोज मैंने ले लिया जीरो 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 वन तो यहां पर अगर आप लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइन करोगे ना ए स्क्वायर भी आपको जीरो मिलेगा बी स्क्वायर भी आपको जीरो मिलेगा इसका मतलब ए और बी दोनों निलपोटेंट है यहाँ पर ना ए एंड बी सॉरी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों नॉन जीरो हैं ए स्क्वायर और बी स्क्र दोनों नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब एक कभी भी निलपोटेंट नहीं हो क्योंकि टू क्रॉस टू का ही मैट्रिक्स है ज्यादा से ज्यादा सेकंड पावर पे आपको जीरो मिल जाना चाहिए तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो ए एंड बी आर नॉट निलपोटेंट और नी आपके निलपोटेंट नहीं है बट अगर मैं यहां पर बात करूं ए प्लस ए इंटू बी तो ए इंटू बी आपको क्या मिलेगा ए इंटू बी आपको मिलेगा जीरो 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 मैट्रिक्स मिल गया ये देखो निलपोटेंट है इज निलपोटेंट तो यहां पर आप देख सकते हो आप, आपने एक ऐसा एग्जाम्पल फाइंड कर लिया जहां पर प्रोडक्ट निलपोटेंट है और ए और बी में से दोनों नहीं है तो ये क्या कह रहा है अगर प्रोडक्ट निलपोटेंट होगा तो ये कह रहा है कि ए और बी में से कोई एक निलपोटेंट होगा झूठ बोल रहा है बेहोश करो इसे ठीक है अब सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है सेकंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे नाइदर ए नॉर बी इज नोटेंट तो सेकंड ऑप्शन के लिए क्या करो सपोज ए इज जीरो मैट्रिक्स एंड बी ए एंड बी बोथ आर जीरो मैट्रिक्स मैट्रिक्स सो ए बी इज इज जीरो जीरो प्रोडक्ट तो पर देखो दोनों मिल रहा है अगर आप ए इंटू बी लेंगे तो ए इंटू बी भी आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा नीलपोर्टेंट तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है ए इंटू बी निल्पोर्टेंट है ठीक है ये कह रहा है ए और बी दोनों नेट नहीं होंगे झूठ बोल रहा है देखो मिल गया हमें काउंटर एग्जाम्पल अब थर्ड ऑप्शन कहता है कि बी ए मस्ट बी नेलपोटेंट तो थर्ड ऑप्शन के लिए हम लोग एक बार चेक करते हैं तो थर्ड ऑप्शन के लिए आप कह सकते हो इफ ए बी इज नेलपोटेंट आपको दिया क्या गया ए इंटू बी इज नेलपोटेंट अगर आपको दिया गया है ए इंटू बी अगर नेलपोटेंट है तो इसका मतलब क्या होगा अगर ए बी नेलपोटेंट मैट्रिक्स है तो यहां से आप कह सकते हो क्या कह सकते हो देन आपको एक नंबर मिलेगा देयर एग्जिस्ट Uh, एक कोई नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट जो क्या करेगा इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा कौन से कंडीशन ए बी टू दी पावर एन ए बी रिस्ट टू एम ए किसके इक्वल होगा ए आपका जीरो के इक्वल होगा इसका मतलब आप क्या कह सकते हो ए बी नोटेंट है ऑब्वियसली बात है उसका कोई पावर तो जीरो मिलेगा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए बी इन टू ए बी एन सोन इन टू ए बी ए मैंने एन एम टाइम्स ले लिया कितने टाइम्स ले लिया मैंने यहाँ पर ए सपोज एम टाइम्स ले लिया कि आपका एम टाइम्स है अब मैं अगला काम क्या करता हूँ अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं ना इस साइड में बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस साइड ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखिए तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना आगे से बी प्री मल्टीप्लाई बाय ए करूँ और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय मैं बी कर दूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखिए ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी जीरो ए दोनों साइड मैंने किया अब आप अगर देखेंगे ये टोटल आपका एम टाइम्स था एक बार बी ए से और एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई कर दिया एम प्लस वन टाइम्स हो गया ये तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अब मेरा पेयर ऐसे बना लेता हूं बी ए बी एन सो ऑन बी ए कितनी बार आ गया ए आपका है एम प्लस वन टाइम्स एम प्लस वन टाइम्स और ये किसके इक्वल हो जाएगा ए आपका जीरो के इक्वल होगा तो यहां से आप क्या कह सकते हो बी ए टू दी पावर एम प्लस वन ये हमेशा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और किसी भी मैट्रिक्स को निलपोटेंट हम तभी कहते हैं उसका कोई भी पावर जीरो हो जाए तो देख लो एन प्लस वन पावर जीरो मतलब बी ए आपका हमेशा निलपोटेंट होगा बी एजोटेंट बी ए आपका हमेशा क्या हो जाएगा निलपोटेंट हो जाएगा तो यहां से आप क्या कह सकते हो बी ए मस्ट बी निलपोटेंट ये कह रहा है तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अब इसके ना कुछ रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं नेलपोर्ट मैट्रिक्स की सो नेक्स्ट राइट डाउन रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड मैट्रिक्स तो सपोज मैं क्या करता हूँ दो मैट्रिक्स ले लेता ए एंड बी नेलपोट मैट्रिक्स अगर ले लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है इफ ए इज नील्पोटेंट अगर ए आपको क्या दिया जाता है नेलपोटेंट दिया जाता है देन उसका ट्रांसपोज ले लो देन ए ट्रांसपोज की बात करो या ए के कॉन्जुगेट की बात करो या ए टू पावर थीटा की बात करो इस सारे के सारे निलपोटेंट होते हैं आर ऑल्सो सारे के सारे क्या हो जाएंगे निल्पोटेंट हो जाएंगे ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पर अगर ए निल्पोटेंट मैट्रिक्स है तो के इन ए भी क्या होगा निलपोटेंट होगा इफ ए इज इंटू ए भी आपको क्या मिलेगा मिलेगा ठीक है थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर एड कर लीजिए अगर एन इंपोर्टेंट है बी न है तो उनका एडिशन जरूरी होता है बट एडिशन कब होता है इंपोर्टेंट जब वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे से कम्यूट कर जाए तो थर्ड और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर आप कह सकते हो इफ ए एंड बी If A and B are nilpotent matrices, if A and B are nilpotent matrices which commute with which commute with each other, which commute with each other, then A plus B is nilpotent. तो नहीं होगा तो यहाँ पर एक नोट एड कर लेते हैं मान लीजिए आपके मैट्र और बी कम्यूट करते हैं उस केस में ए प्लस बी भीट हो जाएगा तो ए प्लस बी का जो इंडेक्स होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो तो इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी ए प्लस बी का जो इंडेक्स होता है किसके इक्वल मिलता है ए हो जाएगा इंडेक्स ऑफ ए देन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी माइनस वन एक रिलेशन यहां पर आता है ठीक है property है nilpotent, nilpotent है ऐड करिए अगर तो तो उनका प्रोडक्ट तभी होता है, जब और तो यहां पर आप कह सकते हो अगर आपको क्या दिया जाता है ए एंड बी नेलपोटेंट मैट्रिसेस

ठीक है तो A B आपको क्या मिलेगा Nailpotent मिलेगा तो यहां पर आप लोग क्या कह सकते हो एक नोट ऐड कर लीजिए चलो ठीक है प्रोडक्ट नोटेंट तभी होता जब है जब मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं तो यहां पर आप कह सकते हो इंडेक्स के बारे में इंडेक्स ऑफ ए इंटू बी तो ए इंटू बी का जो इंडेक्स होगा ये क्या मिलेगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए कॉमा इंडेक्स ऑफ बी ये क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए कॉमा इंडेक्स ऑफ बी के इक्वल मिलता है ठीक है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं निलपोटेंट के बारे में जो कि आपको क्या करना है ध्यान में रखना है तो निलपोटेंट मैट्रेस में इतना ही थैंक यू सो मच